अध्यक्ष जी बताइए, दिल्ली को जाते हुए आपकी रैली को यहाँ पर रोका गया है और क्यों रोक गया है? देखिए, कई बार पुलिस ने कोशिश की, हमने बैरिकेडिंग तोड़ी है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, पुलिस ने रोक दिया, यहीं बैठ गए हैं और हम अब एक आगामी रणनीति बना रहे हैं कि हमें किस तरह जाना जरूर है, दिल्ली जरूर जाएंगे, बस किस तरीके से हमें किस रूट से जाना है वो अभी तय कर रहे हैं, हमारी कमेटी बैठी हुई है, बात कर रही है, मगर जाएंगे जरूर। बलदेव से लेके अभी इस रूट से महावन होते हुए आप NH2 के लिए निकल रहे थे? NH2 के लिए जा रहे थे क्योंकि हमने सुना था कि जो राया इंटरचेंज है यमुना एक्सप्रेस वो फील कर दिया गया है, तो हमने सोचा कि छातागिरी निकला जाए तापला को लेके, मगर हमने बैरिकेडिंग लगातार 3 तोड़ी दी है, परंतु कुछ महिला अधिकारी आके ट्रैक्टरों के सामने लेट गई, तो हमें सोचने पे इतना मजबूर हुआ कि अभी रुक के और रात को हम किसी रूट से निकलेंगे। अभी यहाँ पे सब लोग धरने पे बैठे हुए हो और राकेश टिकैत जी ने जैसा कहा है, पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और हरियाणा सरकार ने सबने अनुमति दे दी गई है, लेकिन यूपी सरकार किसानों को रोकने पड़ी हुई है। यूपी सरकार डरी हुई है किसानों की ताकत के आगे, ये सरकारें डर रही हैं, मान तो रही हैं गलती, मगर उसको कहने में उनको संकोच हो रहा है, और कोई बात नहीं, किसान जाएगा जरूर, किसान के तो 4 रास्ते हैं जाने।